प्यारे बच्चों, आज मैं आपको 10th क्लास की पोएट्री फर्स्ट लेसन द फाउंटेन का शेष भाग पढ़ाऊंगा। क्योंकि पहला भाग मैं आपको पिछले दिन पढ़ा चुका हूं और आपको ये बताऊंगा कि इस पोयम से कवि हम सबको क्या संदेश देना चाहता है और इस पोयम के माध्यम से हम कौन सा संदेश ग्रहण कर पा रहे हैं। तो देखिए, इनटू द स्टार लाइट रशिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाइट। कवि कहता है कि फवारा तारों की रोशनी में स्प्रे की भाव दिखाई देता है, स्प्रे जैसा व्यवहार करता है। हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी बाय डे, चाहे आधी रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, हर वक्त फवारा प्रसन्नचित ही दिखता है। अर्थात हम सभी को अपने आचरण व्यवहार और कार्य से समाज में स्प्रे के रूप में महकते हुए दिखना चाहिए और एक दूसरे को एनर्जी देने के लिए, ऊर्जा देने के लिए हमेशा प्रसन्नचित दिखना चाहिए। इस स्टैंजा से हमें यही शिक्षा मिलती है। आगे देखिए, इवर इन मोशन ब्लिदसम एंड चियरिंग स्टिल क्लाइंबिंग हिवन वर्ल्ड नेवर एवियरी। इस स्टैंजा में कवि बताता है कि जब फवारा गति के समय में होता है तब भी वह प्रसन्नचित ही दिखता है, प्रसन्न मुद्रा में ही दिखता है। स्टिल क्लाइंबिंग ह्यूमन वर्ल्ड नेवर एवियरी, जब फवारा आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखता है तो उस वक्त वो थकता हुआ कभी नजर नहीं आता। अर्थात हम सभी को इस स्टैंजा से यह शिक्षा मिलती है कि हमें, चाहे हम स्थिर अवस्था में हो, चाहे हम गति की अवस्था में हो, चाहे हम कार्य की अवस्था में हो या आराम की अवस्था में हो, हमें हमेशा प्रसन्न दिखना चाहिए और कभी भी थकते हुए नजर नहीं आना चाहिए। जैसे कि फवारा कभी भी थकते हुए नजर नहीं आता, चाहे वह ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता हो और चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आने का प्रयास करता हो, वो हमेशा हर पल प्रसन्नचित अवस्था में ही दिखाई देता है। आगे देखिए, ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाइरस। इस स्टैंजा में कवि यह बता रहा है कि ग्लैड ऑफ ऑल वेदर्स, फवारा सभी मौसम में प्रसन्नचित दिखाई देता है, चाहे जो मौसम, गर्मी हो, बरसात हो, ठंडी हो, कुछ भी। अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन दाइरस, चाहे वह फवारा ऊपर की तरफ जाने का प्रयास करता हो चाहे ऊपर से नीचे की तरफ आने का प्रयास करता हो, वो हर वक्त गतिमान रहता है, हर वक्त गतिशील रहता है, वह कभी आराम नहीं करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि उसकी गति ही उसकी आराम की अवस्था है, उसका गति ही उसका आराम है, विश्राम है। तो हम सभी को हमेशा फवारे की तरह ही गति करते रहना चाहिए, कभी विराम नहीं लेना चाहिए, कभी विश्राम नहीं करना चाहिए। आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, फुल ऑफ ए नेचर नथिंग कैन टेम। इस फवारे की प्रकृति ही ऐसी है कि इसे हम रोक नहीं सकते। ऊपर उठते जाना, नीचे की तरफ आते रहना, ऊपर की तरफ जाते रहना, यह उसकी प्रवृत्ति है, उसका स्वभाव है, इसे हम रोक नहीं सकते। चेंज एवरी मोमेंट एवर द सेम, फवारे की गति हर पल, हर मोमेंट, हर समय बदलती रहती है। कभी तेज अवस्था में दिखता है, कभी स्लो अवस्था में दिखता है, फिर भी वह हमें सेम दिखता है,
बराबर दिखता है, एक समान दिखाई देता है। अर्थात कवि इस स्टैंजा के माध्यम से यह कहना चाहता है कि चाहे जिस अवस्था में हम हों, चाहे दुख की अवस्था में हों, चाहे सुख की अवस्था में हों, चाहे उत्थान की अवस्था में हों, चाहे पतन की अवस्था में हों, चाहे जिस अवस्था में हम हों, हमें हर अवस्था में फवारे की तरह प्रसन्नचित दिखना चाहिए, एक समान दिखना चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, निरंतर ऊपर की तरफ बढ़ते रहना। सीजलेस कंटेंट, निरंतर स्थिर अवस्था को प्राप्त करना। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे अंधकार का समय हो चाहे प्रकाश का समय हो, दाई एलिमेंट, यही इस फवारे का मौलिक तत्व है, यही इस फवारे का मौलिक सत्य है। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि चाहे अच्छा समय आए चाहे बुरा समय आए, व्यक्ति को अपनी मौलिक अवस्था को भूलना नहीं चाहिए, व्यक्ति को अपनी मौलिक क्रिया को, मौलिक स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मूलभूत उसका स्वभाव है, नेचर है, उसे कभी भूलना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। आगे देखिए, ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हर्ट बी, कभी कहता है कि शानदार फवारे की तरह, लेट माई हर्ट बी, भगवान मेरा हृदय बनाए। जिस प्रकार से यह फवारा शानदार दिखने में लगता है, उसी प्रकार से व्यक्ति का चरित्र और व्यक्ति का हृदय भी शानदार होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, फ्रेश, ताज़ा होना चाहिए, चेंजफुल, परिवर्तनशील होना चाहिए, कांस्टेंट और स्थिर होना चाहिए, अपवर्ड लाइक दी, और निरंतर फवारे की तरह आगे की तरफ सोचते हुए, आगे की तरफ कार्य करते हुए, आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, द फाउंटेन, फवारा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन को या हमें जीवन पर्यंत अपने आप को हमेशा क्रियाशील रखना चाहिए, हमेशा सकारात्मक बनाना चाहिए, हमेशा एक्टिव रखने का प्रयास करना चाहिए। तो आज बस इतना ही, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे मोबाइल नंबर 9415703701 पर कॉल करके मुझसे सवाल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।